पूरे भारतवर्ष में जो पुराने नाम है वो वापस लाए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम हो गया त्रिवेंद्रम का, मद्रास का चेन्नई हो गया, इस तरह से आपने देखा मुंबई का बम्बई का मुंबई हो गया, तो बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया। तो जो पुराने नाम हैं जो कभी कभी अपभ्रंशों के बदले गए उनके नाम वापस आ रहे हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस तो इलाहाबाद से 30-35 साल से चल रही है, और प्रयाग तो है ही है, एक हिस्सा इलाहाबाद का प्रयाग के नाम से तो पहले से भी जाना जाता है, और वो प्रयाग है भी क्योंकि जहाँ भी नदियाँ मिलती वहीं एक प्रयाग होता है, और पूरे उत्तराखंड से नीचे तक चलिए तो 6-6 आपको प्रयाग मिलेंगे। तो क्योंकि कुंभ आ रहा है तो वहाँ के लोगों की, स्थानीय लोगों की मांग थी, अभी एक वरिष्ठ जनों की और पूरे क्रॉस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की मीटिंग हुई, सैकड़ों लोगों ने लिख कर दिया, बात उठाई सर्वसम्मति से, चाहे वो आपके विद्वान हो या अन्य विधाओं के लोग हों या सामान्य नागरिक हों या स्वयंसेवी संस्थाएँ हों, राजनीतिक दलों, सभी चाहते थे कि इसका नाम प्रयाग हो। अब क्योंकि इतने प्रयाग हैं और ये प्रयागों का राजा है ही है भाई, इलाहाबाद का संगम जो है वो तो प्रयागों का राजा है, इससे इसका नाम प्रयागराज रख दिया गया। क्या इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया है, और वो वहाँ पे बहुत सी ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनका नाम भी बदला जाएगा, जैसे हाई कोर्ट भी है वहाँ पे, वो अभी इस पे विचार हो रहा है कि कैसे उसको किया जाएगा। एक झटके में तो होगा नहीं, अभी तो दिल्ली जा रहा है, वहाँ से अप्रूवल मिलेगा, फिर देखते हैं कि किस तरह क्या होगा। क्या और जिलों का नाम बदलेगा अगर मांग आएगी? यूपी में कितने नाम बदले हुए जगहों के बताइए, आप खुद बताइए यूपी में कितने नाम बदले गए जिलों के, कम से कम एक दर्जन। अच्छी ये निशाना लगा रहे हैं कि जो मुगलिया नाम थे या जिनका वो उस गलत है नाम, तो देखिए जो जनता चाहती है जिस तरह से वैसे होता है। अब बहुत जगहों के नाम तो बदले जा रहे हैं, महापुरुषों के नाम से बदल दिए जाते हैं, तो इस पर नहीं कोई चर्चा करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि प्रयाग वो था, 30 साल से प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है, इलाहाबाद एक्सप्रेस तो थी नहीं, तब क्यों नहीं आवाज़ उठी।